आज हम लोग आजादी की अमृत गाथा का 39वां अंक लेकर उपस्थित हैं। 37वें अंक में आप सभी जुड़े थे और उसके बाद 38वां अंक की वीडियोज आई थी और वो वीडियोज भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों पर आप लोगों ने बनाई थी और लगभग 15 वीडियोज आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। एक बहुत ही दुखद घटना आरजेएस फैमिली के लिए जाते जाते 2021 दे गया, बहुत ही दुखद। आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे, राहुल जी जो कि डॉक्टर शकुंतला ठाकुर जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने मैसेज दिया ग्रुप में, तो पता चला कि जो पिछले रविवार को डॉक्टर शकुंतला ठाकुर जी जुड़ी थी वो अब नहीं रही। इससे आरजेएस फैमिली को बहुत ही आघात लगा कि जो हमारे फेसबुक लाइव में जुड़ती थी, जो वेबिनार में जुड़ती थी, जो वीडियो भेजती थी, जिन्होंने पूरी वीडियो में अपने बारे में सब कुछ बताया है, यूट्यूब पे अपलोड है, वो आज हम लोगों के बीच नहीं रही हैं। आज ये कार्यक्रम उनको समर्पित किया जा रहा है। शकुंतला ठाकुर जी बाबा रामदेव के साथ कई देशों की यात्रा की थी, योग को लेकर काफी पैशनेट थी, महिलाओं के अधिकार को लेकर काफी पैशनेट थी, महिलाओं के लिए उन्होंने बिहार पटना से जुड़ी हुई थी, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने जोड़ा था जो कि प्रभारी है आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र पटना के। लेकिन शकुंतला ठाकुर जी अमर हो जाएं, ये हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन की टीम है और हम लोगों से जुड़ा हुआ आदमी शरीर से बेशक सभी लोगों को चले जाना है, लेकिन आज उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए हम लोग उनको बराबर याद रखेंगे, यही हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए। इन्होंने अपने इंजीनियर पति के स्मृति में अवार्ड भी घोषित किया था डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी के नाम का। खैर, डॉक्टर शकुंतला ठाकुर जी शरीर के साथ नहीं है, लेकिन इनकी प्रेजेंस और इनकी यादें स्मरणीय रहेगी, हर बार हम लोग इनको याद करेंगे। और अब आइए श्रद्धांजलि सभा में आमंत्रित करते हैं आरजे सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड की प्रभारी डॉक्टर पुष्कर बालाजी को। सावित्रीबाई फुले जी पे आपने वीडियो भी भेजा था और आज लाइव सवा दो मिनट ढाई मिनट आप सावित्रीबाई फुले पे आरजे फैमिली की ओर से श्रद्धांजलि दें। वंदे मातरम। आज सकारात्मक सूचना के जमशेदपुर झारखंड की प्रभारी मैं डॉक्टर पुष्कर बाला सभी भाई बहनों को सावित्री बाई फुले की जयंती 3 जनवरी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज डीजेपीएस केपीएससी आजादी की अमृत गाथा के 38वें अंक में आप सभी का स्वागत है। नववर्ष की विशेष शुभकामनाएं हैं। सावित्री बाई ज्योतिराव फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और इनकी पुण्यतिथि 10 मार्च 1897 है। इनके पिता का नाम खंडोजी नवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्री बाई फुले जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नायगांव नामक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। महज 9 साल की छोटी उम्र में पूना के रहने वाली ज्योतिबा फुले के साथ उनकी शादी हो गई। विवाह के समय सावित्री बाई फुले पूरी तरह अनपढ़ थी, तो वहीं उनके पति तीसरी कक्षा तक पढ़े थे। जिस दौर में पढ़ने का सपना देख रही थी तब कमजोर वर्गों के साथ बहुत भेदभाव होता था। उस वक्त की एक घटना के अनुसार एक दिन सावित्री बाई फुले अंग्रेजी की किताब अपने हाथ में रखी थी और उनके पिता ने उस किताब को पढ़ते हुए देख लिया। उन्होंने उस किताब को छीन कर रख लिया और उसी दिन सावित्री बाई ने मन में ठानी कि मैं एक दिन पढ़ना जरूर सीखूंगी और पढ़ना सीख गई। पढ़ना ही नहीं,
भारत की प्रथम शिक्षिका और भारत की पहली बालिका विद्यालय की संस्थापिका सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी के उपलक्ष्य में रविवार 2 जनवरी 2022 को आरजीएस फैमिली की ओर से राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस मनाया जा रहा है, आयोजित हो रहा है। इनके सम्मान में ये दिवस मनाकर हम नई पीढ़ी को प्रेरित कर सकते हैं और प्रेरित कर भी रहे हैं। इनका जीवन हमें बाधाओं पर विजय की प्रेरणा स्रोत है और सतत सकारात्मक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। इनके बारे में कहा भी गया है या हमने इनकी जीवनी को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ये जानने को मिलता है कि ये इतनी जोरदार विरोध करती थी और महिलाओं के लिए इतना कार्य करती थी कि जब ये बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए कुछ दूरी पर जाती थी तो इनके कपड़े पर गोबर फेंक दिए जाते थे, इन्हें कई एक डांट फटकार सुननी पड़ती थी, ठेकेदारों के द्वारा इन पर कड़ा प्रहार किया जाता था, पत्थर पर फेंक दिए जाते थे, लेकिन यह महिला हार नहीं मानी और अपनी दृढ़ विश्वास पर अडिग रही। आज इस फैमिली की ओर से ऐसी महान आत्मा को 3 जनवरी जयंती पर कोटि कोटि नमन करती हूँ और इनकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस घोषित करने पर आरजीएस फैमिली की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुष्कर बालाजी। और अब आइए जमशेदपुर झारखंड से चलते हैं हम लोग पटना, और वहां पर हमारे प्रभारी ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं और अपनी टीम जो वहां की युवा टीम टोली है उसको भी बहुत प्रेरित कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण बल्लभ सहाय जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को आमंत्रित करते हैं। 2 मिनट 2.25 मिनट में आप 2.5 मिनट में अपनी बात रखें। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं अपने भागवत सबको, भाई बहनों को, विगत परिवार के सभी सदस्यों को नमन करता हूं और आज मैं अपने ही पारिवारिक राजनीतिज्ञ स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के निर्माता श्री के वी सहाय जी को श्रद्धांजलि अर्पित अपने अश्रुपूरित आंखों से देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस धरती को छोड़ने के लिए मजबूर किया हम लोगों की गलत आदतों ने, ट्रैफिक नियमों के अनुपालन में की जाने वाली हमारी गलत फहमियों से, गलत आदतों से गई। श्री केवी सहाय जी केवी के नाम से जाने जाते थे और वे पारिवारिक संबंध सबों से रखे। परिवार में जैसे निकिलियस परिवार में हम चाचा चाची ताऊ ताऊ का रेस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह वे सबका रेस्पेक्ट करते थे। अपने राजनीतिक काल में जब उन्होंने स्वतंत्र भारत में राजनीतिक स्टार्ट की थी चुनाव लड़कर, इस चुनाव लड़ने में उन्होंने बिहार का पहले मंत्री बने, रेवेन्यू मंत्री बने, फिनांस मंत्री बने और उसके बाद उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री बनकर बिहार के निर्माण के कार्यों में ही अपना जीवन खपाया। और काम के मामले में तो उनका परिचय है मेरा, उनसे पटना में भी मिला हूँ और गांव में इलेक्शन में भी उनसे मुलाकात होते रहती थी, पता ही नहीं चलता था जातिवाद का पृथक हम जाति के हैं। जब वो आते थे सब जाति के लोग, हम लोग उनके सामने नतमस्तक होते थे, बच्चे लोग तो वे भी बुजुर्गों को आगे पैर छूकर नतमस्तक होते थे। इस तरह से पता ही नहीं चलता था कि ये हमारे परिवार के आदमी है, ऐसा हम लोग मानते थे। और जब वे बने बिहार के मुख्यमंत्री तो यहाँ जो भी कोई गांव का आदमी आया उनको वे आदर सत्कार उसी तरह से पारिवारिक सदस्य की तरह करते थे और
पारिवारिक सदस्य जो हमारे गांव पर इनके घर से लौटते थे या पटना आवास से लौटते थे, सरकारी आवास से लौटते थे, वो उनकी बारे में बहुत बड़ाई करते थे, क्योंकि वो उनका स्वागत ही नहीं, वे कहते थे कि एक ऐसा सख्त है कब सोता है पता ही नहीं है, जब जगते थे वो काम करते थे, जब तक फाइल पूरी खत्म नहीं कर देते थे तब तक वो सोते नहीं थे। इस तरह के श्रमजीवी केवी सहाय को नमन करता हूँ। बिहार के निर्माण के लिए उन्होंने सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना में मदद की, बोनी रिफाइनरी बनाने में मदद की, रांची में उन्होंने हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके विश्व में हमारा अस्तित्व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया। इस ऐसे महान पुरुष को कि मृत्यु से आहत मैं उन्हें राजेश परिवार की ओर से और अपने समस्त पचम्बा ग्राम के भाई बहनों की तरफ से आज उन्हें नमन करता हूँ, जो आज भी उनका परिवार हमारे साथ मिलता जुलता और मदद करते रहता है। जय हिंद वंदे मातरम। धन्यवाद ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। के बी सहाय जी को की जयंती 31 दिसंबर के अवसर पे आपने कोटि कोटि नमन किया आरजेएस फैमिली की ओर से। और अब हम लोग इंदौर चलते हैं, जो आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना से जुड़ी हुई हैं, रिटायर्ड शिक्षिका प्रेम प्रभा झा जी। और प्रेम प्रभा झा जी श्रद्धांजलि देंगी आजादी की अमृत गाथा के 39वें अंक में। आप सभी का स्वागत है। मैं रिटायर्ड शिक्षिका प्रेम प्रभा झा इंदौर से आरजेएस फैमिली की ओर से नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर नाटककार मोहन राकेश को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इनका जन्म अमृतसर में 8 जनवरी 1925 को हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया, जीविकोपार्जन के लिए अध्यापन किया। वे कई नाटकों उपन्यास के रचनाकार रहे। 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। मोहन राकेश की डायरी हिंदी में इस विधा की सबसे सुंदर कृतियों में एक मानी जाती है। हिंदी नाटक में भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद के बाद का दौर मोहन राकेश का है। उन दोनों के बाद यदि कोई लीक से हटकर नाम उभरता है तो वह मोहन राकेश का है। उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकाला और एक नए दौर के साथ जोड़कर दिखाया। उनकी भाषा में कहीं कहीं दैनिक जीवन में प्रयुक्त उर्दू अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग मिलता है। इन्होंने नाटक के अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, निबंध आदि पर भी अपनी लेखनी चलाई है। अपनी रचनाओं में सरल, सहज, व्यवहारिक, परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। संगीत नाटक अकादमी से सन 1968 में उनको सम्मानित किया गया था। भारत के ऐसे महान साहित्यकार मोहन राकेश को मैं राजेश फैमिली की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अब मैं सावित्री बाई फूले की जयंती के उपलक्ष्य में नमन करते हुए चंद लाइनें अर्पित करती हूँ। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, सती के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अभी तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए, अबला है बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। धन्यवाद। कमजोर नहीं तू। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद प्रेम प्रभा झा जी, आपने
बिल्कुल स्त्री शिक्षा की अलग लगाई और अपने समय में न जाने कितने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ आपने संस्कार दिया होगा, क्योंकि संगीत और गीत आपके पास है। अब आइए आपको इंदौर से चलते हैं जमशेदपुर, आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र से जुड़ी हुई मीता सहाय जी, स्वतंत्रता सेनानी रविशंकर शुक्ला जी को श्रद्धांजलि देते हुए दो शब्द। मीता सहाय जी, वंदे मातरम। मैं मीता सहाय आरजे सूचना केंद्र जमशेदपुर से सभी का स्वागत करती हूँ। पंडित रवि शंकर शुक्ल का जन्म सागर जिले के रहली तहसील के गुरुग्राम में 2 अगस्त 1877 को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित जगन्नाथ शुक्ल और माता का नाम श्रीमती तुलसी देवी था। रवि शंकर ने 4 की उम्र में सागर के सुंदर लाल पाठशाला में दाखिला लिया। इसी पाठशाला से 8 की आयु में आपकी प्राथमिकी शिक्षा पूरी हुई। रवि शंकर शुक्ल अपने स्कूली शिक्षा रायपुर हाई स्कूल से पूरी की, तब उनकी उम्र 17 की थी। इंटर की परीक्षा उन्होंने जबलपुर रॉबर्टसन कॉलेज से उत्तीर्ण की और स्नातक और बीबी की पढ़ाई नागपुर से पूरी की। नागपुर में पढ़ते हुए शुक्ल जी राष्ट्रीय आंदोलन के निकट आए। 1898 में संपन्न हुए कांग्रेस के 13वें अधिवेशन में भाग लेने आप अपने अध्यापक के साथ अमरावती गए थे। तत्पश्चात आप सरायपाली आ गए सूखा राहत कार्य का निरीक्षण करने। अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए शुक्ल जी को पदोन्नति कर न्याय तहसीलदार बना दिया गया। पंडित शुक्ल मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कार्यकाल के दौरान 31 दिसंबर 1956 को आपका स्वर्गवास हो गया। उन्हें हमारा सत सत नमन। मैं उदय कुमार मन्ना जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने पॉजिटिव स्पीकर के रूप में मुझे मौका दिया। जय हिंद जय भारत। जी मीता साहेब जी, आपका धन्यवाद। और अब आइए जयपुर राजस्थान चलते हैं और वहां से बहन जुड़ी हुई है रेणु श्रीवास्तव जी, स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर संपूर्णानंद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। रेणु श्रीवास्तव जी, वंदे मातरम, जय भारत। वंदे मातरम, जय भारत। मैं रेणु श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ और मैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी के श्रद्धांजलि दूंगी। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म 1 जनवरी 1890 को हुआ था। काशी के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री विजयानंद जी था। डॉक्टर संपूर्णानंद क्वींस कॉलेज में से बीएससी की उपाधि प्राप्त की, प्रयाग ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी का प्रशिक्षण लिया और अध्यापक के रूप में सामाजिक जीवन में प्रवेश किया। सबसे पहले प्रेम महाविद्यालय वृंदावन में इनकी अध्यापक के रूप में कुछ दिन कार्य किया। उसके बाद डूंगरपुर में नियुक्ति हुई बीकानेर के कॉलेज में, फिर वहां से प्रधानाचार्य के पद पर हुई। वह वहां से 1921 में महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर के वो काशी लौटा है और काशी मंडल में कार्य करने लगे। डॉक्टर संपूर्णानंद ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम पंक्ति में के सेनानी के रूप में कार्य किया। सन 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित होने पर देश के शिक्षा मंत्री भी नियुक्त हुए। सन 1955 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यह उच्च कोटि के विद्वान थे। डॉक्टर संपूर्णानंद देश के कई विश्वविद्यालयों ने उनको डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उर्दू फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। राजनीतिक कार्यों में लगे रहने पर भी अध्ययन क्रम में बराबर चलते रहे। लगातार उनका अध्ययन क्रम चलता था।
वर्ष 1940 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी नियुक्त हुए। इसी के साथ साथ काशी नागरी प्रचारिणी सभा के भी अध्यक्ष और संरक्षक थे। वर्ष 1960 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त होने पर 1962 में राज्यपाल पद से वो मुक्त होकर काशी लौटाए और फिर मृत्यु पर्यंत काशी विद्यापीठ के कुलपति बने रहे। इस महान राजनीतिक साहित्य तपस्वी का 10 फरवरी 1969 में काशी में उनका शरीर शांत हो गया। मैं इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर संपूर्णानंद को श्रद्धांजलि देती हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। सत सत नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सावित्री बाई फुले जो हमारे राष्ट्र की प्रथम शिक्षिका है उनको भी श्रद्धांजलि देती हूँ कि वो एक महान नारी थी और उनको पहले सब लोगों ने अबला समझा। उनके पिताजी ने किताब छीन ली थी अंग्रेजी की, जिसकी वजह से वह बहुत ही व्यथित हो गई थी और अपने जीवन को उन्होंने आगे बहुत ही बढ़ाया। और इसी साथ मैं सभी सबको सादर प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु श्रीवास्तव जी, जयपुर राजस्थान से जुड़ने के लिए और भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए और सावित्री बाई फुले को भी याद करने के लिए। आरजेएस फैमिली ने इस कदम की काफी सराहना हो रही है पूरे देश भर में और राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस ये प्रथम बार आरजेएस फैमिली मना रही है, लेकिन आने वाले दिनों में हर स्कूलों में इस चीज का आगाज किया जाएगा और आरजेएस फैमिली से जितने जुड़े हुए स्कूल है उन लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि कम से कम अपने यहाँ वो लोग 3 जनवरी के अवसर पे सावित्री बाई फुले जी की जयंती को नमन करते हुए स्त्री शिक्षा दिवस मनाए, महिला शिक्षा दिवस, शिक्षिका दिवस मनाए। अब आइए हम आरजेएस युवा टोली से जुड़ी हुई सुमन कुमारी जी से जानते हैं। फ्रांस के जो जो लुई ब्रेल साहब थे वो ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे जो कि दृष्टि बाधितों के लिए एक वरदान साबित हुआ, पढ़ना लिखना सीख गए जो दृष्टि बाधित थे। आरजेएस युवा टोली पटना से जुड़ी हुई सुमन कुमारी जी को आमंत्रित करते हैं। मैं सुमन कुमारी आरजेएस भारत सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार से लुई ब्रेल जी के बारे में आप सबों को बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस की राजधानी पेरिस में से 40 किलोमीटर दूर कुप्रे नामक गांव में 4 जनवरी 1809 ईस्वी में हुआ था। जब वे महज 3 वर्ष के ही थे तो तभी खेलते समय उनकी आंखों में एक चाकू लग गया और जिससे उनकी एक आंख दृष्टिहीन हो गई। चोट लगे आंख में संक्रमण के कारण कुछ समय के बाद उनकी दूसरी आंख भी क्षतिग्रस्त हो गई और वह देखने में असमर्थ हो गए। हमने भी अपने घरों के आसपास ऐसे बहुत सारे व्यक्ति को देखा होगा जिन्हों की आंखें तो होती हैं परंतु वह देखने में असमर्थ होते हैं। जब ये बड़े हुए 10 साल की उम्र में इनके पिताजी ने एक स्कूल में एडमिशन कराया। इसी स्कूल में एक बार फ्रांस की सेना के एक अधिकारी आए जिन्होंने बच्चों को अंधेरे में देखे जाने वाली या पढ़े जाने वाली लिपि सोनोग्राफी का प्रशिक्षण दिया, परंतु यह जो लिपि थी वह अधूरी थी क्योंकि इसमें गणितीय नोटेशन, चिन्हों, संख्या आदि का अभाव था। प्रखर बुद्धि के धनी लुई ब्रेल जी ने इसी लिपि को आधार बनाया और अक्षरों और चिन्हों के द्वारा उन्होंने बहुत सारे ये ऐसे गणितीय अक्षरों का भी उसमें प्रयोग किया। उस साथ ही उन्होंने म्यूजिक के नोटेशन का भी उसमें समावेश किया। आज उनके द्वारा लिखी गई यह लिपि ब्रेल लिपि के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात है और उनके द्वारा इजाद की गई इस लिपि में के द्वारा वर्तमान में स्कूली शिक्षकों के स्कूली शिक्षा के में
पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। साथ ही लिपि, इस लिपि में महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। साथ ही पंचांगों का पंचांग भी इस लिपि में विकसित हुई है। आज विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि इस लिपि का प्रयोग नहीं किया कर रहे हैं। उनके द्वारा इजाद की गई यह लिपि दृष्टिहीनों के जीवन में एक मील का पत्थर साबित हुई है। उन्होंने ऐसे दृष्टिहीन व्यक्ति, ऐसे दृष्टिहीन दिव्यांगजन जो कि अपने पढ़ने लिखने की उम्मीदों को छोड़ चुके थे, उनके राह में, उनके जीवन में रोशनी उत्पन्न की है। इन ऐसे महान व्यक्ति का की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, मात्र 46 वर्ष की उम्र में ही इनका देहावसान हो गया। इन्हीं के सम्मान में 4 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व में विश्व ब्रेल लिपि के विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे महान व्यक्ति को मैं संपूर्ण आरजेएस परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद सुमन कुमारी जी। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल जी को श्रद्धांजलि आज दी गई है और विश्व में ये ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। और अब आइए अमेरिका चलते हैं और वहां हमारी बहन दीपा भूषण जी उपस्थित हैं गीतकार डॉक्टर राहत इंदौरी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। दीपा भूषण जी। हेलो, नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं दीपा भूषण दिल्ली से हूं, पर आज इस वक्त मैं अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड शहर से बोल रही हूं जो कि इलिनॉय स्टेट की कैपिटल है और पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिका के अब्राहम लिंकन थे उनका स्थान भी है। आज की अमृत गाथा के इस 39वें अंक में आरजीएस परिवार की ओर से मैं डॉक्टर राहत इंदौरी को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी। डॉक्टर राहत दीपा जी, थोड़ा सा मोबाइल ऊपर कर लीजिए, आपका चेहरा नीचे आ रहा है। ठीक है जी, थैंक यू। डॉक्टर राहत इंदौरी जी प्रख्यात गीतकार, शायर, कवि, प्रोफेसर, पेंटर, दार्शनिक झुकाव वाले एक संपूर्ण सज्जन जिनको उनकी काव्य प्रतिभा और उनके प्रतिपूर्ण प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। इस अल्फाज को कहने वाले डॉक्टर राहत इंदौरी का पूरा नाम पहले राहत कुरैशी था। इंदौर के रहने वाले ये इनके नाम के साथ इंदौरी जुड़ गया, राहत इंदौरी जुड़ गया, क्योंकि ये इंदौर से थे। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। इन्हें इंदौर शहर से बेहद लगाव था। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए और इनके पिता कपड़ा बनाने की मिल में काम किया करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नूतन कला इंदौर से हुई। वर्ष 1975 में इन्होंने ग्रेजुएशन इस्लामिया करीमिया कॉलेज से किया। 1975 में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई पूरी की। साथ ही इन्होंने भोज यूनिवर्सिटी से उर्दू लिटरेचर से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। वर्ष 1972 में इन्होंने अपनी कविता को 19 वर्ष की आयु में पहली बार सार्वजनिक रूप से पढ़ा। इन्हें पेंटिंग करने का बेहद शौक था और इन्हें ये बहुत पसंद था और इसमें इनका काफी नाम भी हुआ। ये साइन बोर्ड बनाया करते थे और कहा जाता है कि ये इतने अच्छे साइन बोर्ड बनाते थे कि इनसे साइन बोर्ड बनवाने के लिए लोग एक एक महीना वेट किया करते थे। ये कार्य इन्होंने 10 साल तक किया। ये सब करते करते अचानक इनके मन में आया कि गजलें लिखें और शायरी भी करें और ये इसमें लग गए और 50 साल डॉक्टर राहत इंदौरी ने अपनी शायरी और गजलों से लोगों का दिल लुभाया। इन्होंने बहुत से गाने हिंदी की हिंदी फिल्म जगत को भी दिए लिखे जो कि बेहद मशहूर रहे, जिनमें देखो देखो जानम, दिल बूमरो बूमरो, दिल को हजार बार देखा। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बस आपका चेहरा अभी भी नीचे है, काइंडली अगर ऊपर कर लें। यस, और थोड़ा। हाँ बिल्कुल, अब वेरी गुड, वेरी गुड।
माइक म्यूट हो गया। हेलो हेलो सर जी जी जल्दी खत्म कीजिए। ये कहते थे कि गजल का शायरी को समझना काफी मुश्किल है और इसको समझने के लिए लोगों को थोड़ा अलहर, थोड़ा दिलफेक और थोड़ा अड़ियल होना पड़ता है। प्रतिभाशाली डॉक्टर राहत इंदौरी जी द्वारा बहुत सी प्रख्यात किताबें लिखी गईं और लोगों में खासा प्रचलित रही। साथ ही इनको बता दूं, इनको देश विदेश से भी सम्मान दिए गए। बेबाक बात में अपनी बात कहने वाले राहत इंदौरी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। इनके शुरुआती दौर का एक वाक्या है, जब ये लखनऊ से जौनपुर जा रहे थे बनारस, इनके पास कपड़े नहीं थे, जो ये कपड़े पहने हुए थे वही कपड़े इनके पास थे और वो गंदे हो चुके थे। इनके पास दूसरे कपड़े ना होने के कारण इन्होंने जौनपुर से पहले जाफराबाद स्टेशन पर उतरकर उन कपड़ों को एक हैंडपाइप में धोया, सुखाया और उन्हीं कपड़ों को पहनकर ये फिर गाड़ी पकड़कर बनारस पहुंच गए। ये कहा करते थे कि शायर का जीवन काफी मुश्किल होता है। ये कहते थे जब इनकी बीवी बाजार जाया करती थी तो लोग उन्हें ताना देते थे कि शायर की बीवी है, कैसे खर्च चलता होगा। गजल अगर इशारों की कला है तो डॉक्टर राहत इंदौरी वो कलाकार थे जो अपने अंदाज में झूमकर इस कला को बखूबी अंजाम देते थे। याद तो याद होती है, वो चाहे अच्छी हो या बुरी, हमेशा रुलाती है। मशहूर शायर राहत इंदौरी जी को कोरोना वायरस से संक्रमित होने और दिल का दौरा पड़ने से 70 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 2020 को इंदौर में देहांत हो गया। डॉक्टर राहत इंदौरी भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनकी उम्दा शायरी, बेहतरीन गीत और राहत इंदौरी जी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आरजीएस परिवार की ओर से आज की अमृत गाथा के इस अंक में राहत इंदौरी जी को विनम्र श्रद्धांजलि, शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। वंदे मातरम दीपा भूषण जी। और अमेरिका से लौटने के बाद आप बताइएगा कि कब आप भारत लौट रही हैं, तो हम लोग आपका जी, जी। इसी वेबिनार में आपका स्वागत भी करेंगे। जी जी सर। अब चलिए आरजेएस युवा टोली वैभव भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, कवि दुष्यंत कुमार जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आमंत्रित करते हैं। वैभव भारद्वाज जी, वेरी जय हिंद, एनर्जेटिक वंदे मातरम। मैं आरजेएस युवा टोली का सदस्य वैभव, बिहार की राजधानी पटना से। आज मैं प्रसिद्ध कवि श्री दुष्यंत कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु उपस्थित हुआ। 1 सितंबर 1933 को बिजनौर में जन्मे दुष्यंत कुमार जी हिंदी के एक महान कवि, कथाकार और गजलकार थे। इनके पिता का नाम भागवत सहाय और माता का नाम रामकिशोरी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही संपन्न हुई। श्री दुष्यंत कुमार जी ने हाई स्कूल से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था, जो कि इनकी प्रतिभा को दर्शाता है। उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में बीए और एमए किया। श्री दुष्यंत कुमार जी ने आकाशवाणी दिल्ली में भी अपनी सेवाएं दी। उसके बाद मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत भाषा विभाग में भी रहे। सरकारी सेवाओं में रहते हुए सत्ता विरोधी काव्य रचना के कारण इन्हें को भाजन का भी शिकार होना पड़ा था। गजल जो कि आमतौर से उर्दू जबान के नाम से ही जानी जाती थी, गजल विद्या को हिंदी में लोकप्रिय बनाने में दुष्यंत जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य और बहुत ही कम अल्पायु में, मात्र 44 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1975 को श्री दुष्यंत जी इस धारा को अलविदा कर गए। तो आइए उनकी कुछ महान रचनाओं को याद करते हैं, क्योंकि हम अपने आम जीवन में भी इसका काफी इस्तेमाल करते हैं और इसे हम लोग इससे प्रेरणा लेते हैं। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्कर नहीं शहर के लिए। और एक इनकी काफी मशहूर रचना जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, और हम इसे काफी सुनते हैं और इससे काफी ऊर्जा लेते हैं, हो गई है पीर पर बत्ती पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर बत्ती पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इसके बाद इनकी एक और महान रचना, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यारो। आज आरजीएस परिवार के तरफ से श्री दुष्यंत कुमार जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। वैभव जी, आपने तो घाघर में सागर भर दिया। दुष्यंत कुमार जी की तीनों जो रचनाएं हैं मंचों से गाई जाती हैं और वो आपने यहाँ पर आरजीएस फैमिली की ओर से श्रद्धांजलि देते वक्त कही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप इट अप, यू आर यंग एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ द पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट। आप पे बहुत आशाएं हैं आप जैसे लोगों से। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी जुड़ी हैं क्या? डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, जय हिंद। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी को आमंत्रित करते हैं अपने महान वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, आरजेएस टीजे एपीएस केवीएस के आजादी की अमृत गाथा के इस अंक में मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार से आप सभी का स्वागत करती हूं तथा आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक उदय मन्ना जी और ओम प्रकाश जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सौजन्य से इस सकारात्मक मंच से जुड़ने का मुझे मौका मिला। साथ ही भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई जी के को सादर नमन भी करती हूँ। आगे हम सर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी को विस्तार से जानते हैं। भारतीय शोध प्रयोगशालाओं के जनक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की आभा का फलक विश्वव्यापी है। उनके योगदान के प्रति पूरा देश आभारी है। ऐसे महान पुरुष का जन्म 21 फरवरी 1894 पंजाब के शाहपुर भेरा में हुआ था जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ऐसे ही एक स्वप्न दृष्टा वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में देश को मजबूत स्थिति में खड़ा करने का स्वप्न देखा और उसे साकार करने में जुट गए। कहना ना होगा कि उन्हें भारतीय शोध प्रयोगशालाओं के जनक के रूप में अनायास ही याद नहीं किया जाता। वैज्ञानिक शोध प्रयोगशालाएं विज्ञान के विविध क्षेत्रों में काम कर रही हैं कि स्थापना का श्रेय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी को जाता है। वह मशहूर वैज्ञानिक के साथ साथ अकादमिक प्रशासक भी थे। भारत सरकार उनके जन्म दिवस पर डाक टिकट भी जारी करती रही है। उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए भारत हमेशा ही ऋणी रहेगा। आजादी की अमृत गाथा में आरजेएस फैमिली की ओर से महान वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद जय भारत। जी डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, आप अपने अवार्ड की यहाँ पे घोषणा भी कर सकते हैं, अपने माता पिता की स्मृति में जो आप अवार्ड की घोषणा कर रही हैं। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, माइक आपका म्यूट है, माइक आपका म्यूट है। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, माइक म्यूट है आपका। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। नाटककार कलाकार सफदर हाशमी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आमंत्रित करते हैं दूरदर्शन दिल्ली से जुड़े हुए ईशा खान जी को। जय हिंद ईशा खान जी। आदाब, वंदे आप। जय हिंद, और इस बात की हम हार्दिक बधाई देना चाहेंगे आरजेएस मंच के लिए कि राष्ट्रीय मंच पे हम सब तो इकट्ठा होते ही थे, आज ये मंच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम सबको देखने को मिला है और इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप। जैसा कि एक अभी बहन जी ने अमेरिका से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके माध्यम से एक तरह से हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर आज विराजमान हैं। और प्रचलित नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम जन नाट्य मंच के प्रणेता कह सकते हैं, जिसकी स्थापना 1973 में की थी
सफदर हाशमी साहब ने एक निर्भीक पत्रकार थे, एक कार्यकर्ता थे और आपका जन्म 12 अप्रैल 1954 में दिल्ली में हुआ था। आपकी भी आयु बहुत ज्यादा नहीं रही, 34 वर्ष की आयु में आपका निधन हुआ 2 जनवरी 1989 को। हालांकि इससे एक दिन पहले आप जब नुक्कड़ नाटक खेल रहे थे NCR साहिबाबाद गाजियाबाद में, तब आपको गोली लगी और 2 जनवरी को आपका इंतकाल हो गया। लेकिन आपने अपने नाम को इस तरीके से स्थापित किया अपने काम के जरिए, हालांकि आप मार्क्सवाद से प्रभावित थे, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य थे, आप एक निर्भीक पत्रकारिता के रूप में इतना सारा कुछ काम किया कि आज भी जो नाटक मंडलियां हैं, जो युवा मंच है, आपको बहुत बहुत दिल से याद करते हैं। एक नाटक मशीन नामक आपने तकरीबन 2 लाख मजदूरों के बीच इसे मंचन किया था और इसके लिए काफी ख्याति मिली थी आपको। और ऐसा भी कहा जाता है कि आपने लगभग 24 नाटकों को 4000 बार मंचित किया है। तो जन नाट्य मंच को जन जन तक पहुंचाने के लिए, बल्कि नाटक मंचन को जन जन तक पहुंचाने में आपका हाथ है और इसका श्रेय आपको ही दिया जाता है। इतना ही नहीं, आप कई महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के प्रवक्ता का कार्य भी किया है और बखूबी किया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम में भी बताते हैं कि आपने पत्रकारिता का काम किया है और बंगाल सरकार के प्रेस में भी आपने काम किया है, बखूबी काम किया है। और 1984 में बताया जाता है कि आपने अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और राजनीतिक कर्म में भी जुड़े रहे, लेकिन आपने नाटकों का मंचन और नाटकों से जुड़ाव को कभी नहीं छोड़ा। औरत, गांव से शहर तक और महंगाई, ये सब आपके मुख्य विषय थे। और गांव से शहर तक तो सांप्रदायिक फांसीवाद पे आपने कई नाटक किए हैं, हालांकि कहीं कहीं आपकी आलोचनाएं भी होती थीं। और लेकिन आप निर्भीक पत्रकारिता के तौर पर, पत्रकार के तौर पर एक निर्भीक जीवन जिया है। और ये भी कहा जाता है कि आप दूरदर्शन से भी जुड़े हुए थे, खिलती कलियां नामक धारावाहिक का भी आपने लेखन किया, प्रसारण कराया, इसलिए दूरदर्शन परिवार भी आपको अच्छी तरीके से जानता है और आज के दिन आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के इस कड़ी में जितुबाबाई फूले का श्रेय भी आरजेएस मंच को जाता है कि आपने एक राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस के रूप में इसे स्थापित करने की कोशिश की है, ये जरूर इसका श्रेय आपको जाता है। बहुत बहुत बधाई और एक बार फिर से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जन नाट्य मंच के प्रणेता सफदर हाशमी को। धन्यवाद ईशा खान जी, बने रहिए। आप जैसे युवाओं को लेकर ही हम लोग 9 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में वेबिनार कर रहे हैं, आप सभी युवा वहां पर आकर संदेश दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना होगा कि आप 2.5 मिनट के लिए क्या बोलना चाहते हैं। वो स्क्रिप्ट आप भेज देंगे सभी युवाओं को, हम लोग चाहेंगे कि उसमें मौका दिया जाए और ये आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी की इच्छा है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। अब आइए हम स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाबाई जी को श्रद्धांजलि आरजेएस फैमिली की ओर से देते हैं और इसके लिए आमंत्रित करते हैं आरजेएस युवा टोली की सदस्य कामिनी माथुर जी को। कामिनी माथुर जी, वंदे मातरम। आरजेएस के संचालक और अन्य गणमान्य पुरुषों को मेरा सत्सत नमन। आज आरजेएस के मंच पर डॉक्टर राधाबाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी अपना बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें राधाबाई ने भी कठिन प्रयास किए। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में अपनी अपना ये प्राथमिक जीवन बहुत ही इनका कष्टमय रहा। बाल्यावस्था में ही इनकी शादी हो गई। 9 वर्ष की अवस्था में विधवा होकर घर घर ये दाई का काम कर अपना जीवन यापन करती थी। 1918 में रायपुर आई और यहाँ पे ये नगर पालिका में भी दाई के रूप में ही काम करने लगी।
लेकिन ये अपना काम इतने प्रेम और लगन से करती, सबकी सेवा करती कि ये सबकी माँ के समान बन गई थी। यही ये दाई का काम करते हुए भी इन्होंने लोगों ने इन्हें डॉक्टर की उपाधि दे दी। सेवा भाव, कर्मठता, कर्तव्य प्राणता, त्याग और बलिदान ने इन्हें डॉक्टर राधाबाई बना दिया। ये अपने अंदर दबी देश प्रेम की भावना को शुरू में ये महात्मा गांधी के संपर्क में आई और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये अपने अंदर की दबी हुई स्वतंत्रता जो लोगों में कष्ट को देखती थी उन्हें देखकर ये अंदर ही अंदर द्रवित होती और इस प्रेम की भावना को इन्होंने महात्मा गांधी के संपर्क में आकर धधकती हुई ज्वाला के रूप में परिवर्तित कर दिया। 1920 से 42 तक जितने भी सत्याग्रह आंदोलन हुए सब में वो भाग लेती रही और कई बार अनेकों बार ये जेल भी गई। ये अमीर गरीब सभी औरतों को घर घर जाकर स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करती और इस तरह से धीरे धीरे प्रेरित करते हुए बहुत भारी संख्या में ये महिलाओं का एक समूह बना लिया। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक कुकृत्यों को परंपराओं को भी जड़ से उखाड़ फेंकने में काफी साहस का परिचय दिया। महिलाओं को भी बंधन मुक्त किए, जैसे वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को जो सभी कुंवारी लड़कियों को समर्पित कर दिया जाता था उन्हें स्वस्थ जीवन जीने योग्य बनाया गया और उनके जीवन के मूल्यों को समझने में भी सहायता की। अस्पृश्यता, शराबबंदी, स्वदेशी आंदोलन, कौमी एकता, नारी जागरण ने अविस्मरणीय योगदान दिया और डॉक्टर राधाबाई ने घूंघट जैसी प्रथा को छोड़कर जेल की यातनाओं को सहना मंजूर किया। दूसरों के को प्रेरित करते हुए ये अपने आप को भी इस स्वतंत्रता आंदोलन में अपना पूरा सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया और इस तरह से इस वीरांगना डॉक्टर राधाबाई की स्वतंत्रता आंदोलन की यातनाओं को सहते हुए 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। जनमानस के हृदय में बस जाने वाली डॉक्टर राधाबाई को मैं सशस्त्र नमन करती हूँ। जय हिंद। जी कामिनी माथुर जी, जय हिंद। और अब हम लोग स्वतंत्रता सेनानी अजीत प्रसाद जैन जी को आरजेएस फैमिली जी की तरफ से श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं और उसके लिए आमंत्रित करना चाहेंगे आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र झारखंड जमशेदपुर से जुड़ी ममता रानी जी को। ममता जी सर, जय हिंद। जय हिंद। आजादी की अमृत गाथा राष्ट्र प्रथम विश्व एक परिवार नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है आपकी। सर ऑन है, वीडियो ऑन है। ऑन है सर। अच्छा ठीक है, ओके। नमस्ते, जय हिंद सर। आजादी की अमृत कथा राष्ट्र प्रथम विश्व एक परिवार आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर से मैं ममता रानी। आज रविवार 2 जनवरी नया साल, ये आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं सर। नकारात्मक पर सकारात्मक की विजय गाथा एवं आरजेएस परिवार की तरफ से सभी को बहुत नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आरजेएस TJAPS KVS के आजादी की अमृत गाथा 39 वेबिनार में आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं स्वतंत्र सेनानी अजीत प्रसाद जैन जी को। अजीत प्रसाद जैन जी का जन्म 1902 में मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। लखनऊ में उनकी कानून की डिग्री प्राप्त हुई। उसके बाद उन्होंने वकालत प्रारंभ कर दी और सहारनपुर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया उन्होंने। शीघ्र ही अजीत प्रसाद जैन जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन से जेल यात्रा का जो उनका सिलसिला शुरू हुआ वो आजादी के बाद ही थमा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न पदों पर वे रहे, जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस के सदस्य भी वे कई वर्षों तक रहे। सन 1935 में प्रथम निर्वाचन में अजीत प्रसाद जैन जी विधानसभा के सदस्य चुने गए और पंत जी के प्रथम मंत्रिमंडल सभा में सचिव बने। स्वतंत्रता के बाद पहले वह संविधान सभा के सदस्य और बाद में लोकसभा के सदस्य चुने गए। केंद्र सरकार में
उन्होंने पुनर्वास खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किए। उसके बाद सन 1965 में अजीत प्रसाद जैन जी को केरल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। इस पद पर वे करीब एक साल तक रहे। वे इंदिरा गांधी के म्यूट हो गया, आपका माइक म्यूट हो गया ममता जी। ओके, अजीत प्रसाद जैन जी फिर सक्रिय राजनीति में आ गए थे। सदस्य चुने गए, फिर सिंचाई आयोग में सदस्य, उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग के अध्यक्ष भी रहे। इस तरह अजीत प्रसाद जैन जी ने स्वतंत्र आंदोलन में 1930 से लेकर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता में रहते हुए शबनीय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत किए थे और अपने देश के अपने देश सेवा में वह विभिन्न पदों में रहकर अपने देश सेवा के प्रति अपना प्रेम उजागर किए। अतः इन स्वतंत्र सेनानी और वीर महापुरुष को आरजेएस परिवार तथा हमारे तरफ से सत सत नमन है। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। विजय लक्ष्मी जी जुड़ी हैं क्या हरियाणा से? विजय लक्ष्मी जी तो आइए अब हम आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर से जुड़ी हुई शैल कुमारी दास जी को आमंत्रित करते हैं। आरजे फैमिली की ओर से आप गायक संगीतकार राहुल देव बर्मन जी को श्रद्धांजलि देंगी। शैल कुमारी दास जी, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, सुप्रभात, जय हिंद। मैं शैल कुमारी दास आरजीएस फैमिली की ओर से राहुल देव बर्मन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आरजीएस टीजेएसपीएस केवीएसके की आजादी की अमृत गाथा 39 में आइए महान संगीतकार राहुल देव बर्मन के जीवन के विचार को साझा करती हूँ। राहुल देव बर्मन जी हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। इन्हें पंचम ये पंचमदा नाम से भी पुकारा जाता था। मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन व उनकी पत्नी मीरा की ये इकलौती संतान थे। अपनी अद्वितीय संगीतीय प्रतिभा के कारण इन्हें विश्व कसम 1969 में इन्होंने अभिनय भी किया। राहुल कोलकाता मन में थे। कहा जाता है बचपन में जब ये रोते थे तो पंचम सुर की ध्वनि सुनाई देती थी, जिसके चलते पंचम कहकर पुकारा गया। कुछ लोगों के मुताबिक अभिनेता अशोक कुमार ने जब पंचम को छोटी उम्र में रोते हुए सुना तो कहा ये पंचम में रोता है, तब से पंचम कहकर पुकारा गया। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलकाता से ली। बाद में उस्ताद अली अकबर खान से सरोद की शिक्षा ली। इन्होंने पिता सहित देश वर्मन सचिन देव वर्मन जो खुद हिंदी सिनेमा के बड़े संगीतकार थे, बचपन से ही आर डी वर्मन को संगीत की दांव पे सिखाना शुरू कर दिया था। राहुल देव वर्मन को शुरुआती दौर की शिक्षा बालीगंज गुंगे सरकारी हाई स्कूल कोलकाता से प्राप्त की। केवल 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना पहला संगीत ए मेरी टोपी पलट के को दिया, जिसे फिल्म फंटूस में उनके पिता ने इस्तेमाल किया। छोटी सी उम्र में पंचम दा ने सरजो तेरा चकराई की धुन तैयार कर लिया, जिसे गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में ले लिया गया। सूरत 1981 में सनम तेरी कसम, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रॉकी, मासूम, सत्य पे सत्ता, लव स्टोरी जैसी फिल्मों में पंचम दा ने अपने संगीत का जलवा बिखेरा। काफी लंबे समय बाद 90 के दशक की शुरुआत में उन्हें विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में संगीत देने का मौका मिला। फिल्म के सारे गाने सुपरहिट साबित हुए, लेकिन अफसोस कि इसकी कामयाबी देखने के लिए खुद बर्मन जी जिंदा नहीं थे, जो अपनी आखिरी सफलता को देखने से पहले ही दुनिया से विदा हो चुके थे। 4 जनवरी 1994 को 55 साल की आयु में
उनका निधन हो गया था। फिल्म के गीत लिखने वाले जावेद अख्तर कहते हैं, पंचम एक ऐसा शख्स था जिसे अपने आप को संगीत का बादशाह साबित किया। फिर उसने वह ताज छीन भी गया, लेकिन 1942 में संगीत देकर फिर से साबित कर दिया कि साहब संगीत का शहंशाह तो वही है। अफसोस की उस बादशाह की ताज तख्त पर दोबारा बैठने से पहले ही निकल गई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम शैल कुमारी दास जी। और अब आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड से जुड़ी हुई निशा झा जी को आमंत्रित करते हैं समाज सुधारक मनत्तू पद्मनाभन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। निशा झा जी, वंदे मातरम। सर, वंदे मातरम। आरजेएस टीजेपीएस केबीएसके की आजादी की अमृत गाथा के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं निशा झा आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड से जुड़ी हूँ। आरजेएस फैमिली की ओर से केरल के स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक मन्नतू पद्मनाभन की जयंती 2 जनवरी पर कोटि कोटि नमन करती हूँ। मन्नतू पद्मनाभन का जन्म 2 जनवरी 1878 ईस्वी को केरल के कोटायम जिले के पेरुना नामक स्थान पर हुआ था और इनका निधन 25 फरवरी 1970 ईस्वी को हुआ। केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारकों में से एक थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए इन्होंने मजिस्ट्रेटी की परीक्षा पास की थी जिससे वकालत शुरू कर सके। उस समय समाज में जो अंधविश्वास और पाखंड व्याप्त था उसे दूर करने के लिए मन्नतू पद्मनाभन ने नायर सर्विस सोसाइटी नामक एक संस्था की स्थापना की। केरल का भारत में विलय कराने के आंदोलन में उन्हें 68 साल की उम्र में भी जेल भी जाना पड़ा। बहुमुखी सेवा कार्यों के लिए उन्हें 1966 में पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया। वह दक्षिण पश्चिमी राज्य केरल की एक समाज सुधारक तथा स्वतंत्रता सेनानी भी थे। सरदार के एम पनिकर ने उन्हें केरल के मदन मोहन मालवीय की संज्ञा दी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1893 ईस्वी में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में की। वर्ष 1995 में उन्होंने अपना पेशा बदल दिया और मजिस्ट्रेटी न्यायालयों में कानून का अभ्यास शुरू कर दिया। राजनैतिक तथा सामाजिक योगदान में उन्होंने व्याकोम वर्ष 1924 एवं गुरुवायूर वर्ष 1931 के मंदिर प्रवेश सत्याग्रहों और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में भाग लिया। व्याकोम सत्याग्रह त्रावणकोर वर्तमान केरल के मंदिरों में दलित वर्ग के लोगों को प्रवेश की अनुमति देने हेतु चलाया गया आंदोलन था। यह आंदोलन 1924 से 1925 के दौरान केरल के कोटायम जिले में व्याकोम के शिव मंदिर के पास हुआ। उस समय व्याकोम त्रावणकोर रियासत का एक हिस्सा था। वर्ष 1946 में वह भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और बने और त्रावणकोर में सर सीपी रामास्वामी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण 14 जून 1947 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 1949 में पद्मनाभन त्रावणकोर विधानसभा के सदस्य भी बने। वर्ष 1964 में केरल कांग्रेस के गठन में भी उन्हें सहायक की भूमिका निभाई जो भारत की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। 5 फरवरी 1970 को 92 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी समाधि एनएसएस मुख्यालय चंगनाचेरी में स्थित है जो केरल के कोटायम जिले की नगर पालिका है। ऐसे भारत के महान सपूतों को आरजेएस फैमिली की ओर से नमन। धन्यवाद सर। नमन है निशा झा जी। और अब हम लोग तस्वीर दिखाना चाहेंगे स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी जी को श्रद्धांजलि देंगे तस्वीर पे, और स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट बोमन जी को। इन लोगों का भी काफी योगदान रहा है। और उसके बाद 11:05 हो रहे हैं, हम लोग आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर काम करेंगे। तो स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी जी को श्रद्धांजलि तस्वीर पे हम लोग दे रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी जी, ये नई पीढ़ी तक एक संदेश पहुंचाना है जिनकी 1 जनवरी को
जयंती है और इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कटबोम्मन जी साउथ इंडिया के थे, उनको भी हम लोग तस्वीर पे श्रद्धांजलि देते हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, शिक्षिका दिवस पे अब कार्यक्रम हम लोग परिचर्चा का शुरू करते हैं श्रद्धांजलि सभा को यहाँ पर। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लोग लगातार बने रहें क्योंकि इन चीजों को मॉनिटर किया जाता है कि आप अगर पॉजिटिव स्पीकर्स हैं तो पूरे कार्यक्रम के दरमियान जो है उन चीजों को जो हमारे वक्ता आए हुए हैं उन लोगों की बातों को सुने और राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस का पुरजोर समर्थन करें। प्रश्नोत्तरी जो है वो 12 बजे से शुरू की जाएगी, आपके मन में जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी, जिन्होंने घोषणा की थी अप्रैल के महीने में, जब उन्होंने अपने सिल्वर आर्क पब्लिक स्कूल में बैठक की थी तो उन्होंने घोषणा की थी कि सावित्रीबाई फुले जी भारत की पहली महिला शिक्षिका है तो उनके नाम पे राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस मनाया जाए। उसका नाम आप स्त्री शिक्षा दिवस भी कर सकते हैं। तो ये आज प्रथम राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस आरजेएस फैमिली टीजेएपीएस केबीएसके की तरफ से मनाई जा रही है और आने वाले दिनों में आरजेएस से जुड़े हुए जितने भी स्कूल के संचालक हैं उन लोगों को भी प्रेरित किया जाएगा कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले जी को नमन किया जाए स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस के रूप में। इस वक्त सुदीप साहू जी को आमंत्रित करते हैं। सुदीप साहू जी सावित्रीबाई जी के बारे में दो शब्द बोलेंगे। सुदीप साहू जी नीरा अरोड़ा जी जुड़ी हुई हैं। नीरा अरोड़ा जी, नीरा अरोड़ा जी, हाँ नीरा अरोड़ा जी, जी हाँ। तो अब सुदीप साहू जी आप स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं। हाँ सुदीप साहू जी दो शब्द बोलिए, दो मिनट आप इस पुरजोर समर्थन कीजिए आरजेएस की इस मुहिम को। पहली बात तो मैं आरजेएस परिवार को अभिवादन करता हूँ और इस वक्त जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको नमस्कार करता हूँ। ये आपने जितने हमारे अभी मैं देख रहा था जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको आपने श्रद्धांजलि दिया, मैंने दो तीन लोगों के तो नाम कभी सुने ही नहीं थे लेकिन इस प्रोग्राम की वजह से हमें ये नाम सुनने को मिले और जानने को मिले। और इनके विषय में स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाना बेहद आवश्यक होगा। फिलहाल अभी मैं आज सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस जो कि कल है उसका प्रोग्राम हम आज कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हर स्कूल में कम से कम एक बड़ी सी फोटो सावित्रीबाई फुले जी की जरूर लगाई जानी चाहिए और उसमें उनका जन्मदिन और उनका धरती छोड़ने का दिन वो दोनों ही मेंशन हो जिससे कि बच्चे जान सकें कि ये कौन थी। और उनके संबंध में थोड़ी थोड़ी संगोष्ठियां होनी चाहिए, परिचर्चाएं हो स्कूल के अंदर, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रही हैं उनको भी नहीं मालूम कि सावित्रीबाई फुले का भी जन्मदिन आता है और वो भारत की पहली महिला शिक्षिकाओं के रूप में जानी जाती है। इसलिए ये बेहद आवश्यक है कि जन जागरण किया जाए। और मैं तो अभी आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इस महिला राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को सावित्रीबाई फुले जी के नाम पे सरकार घोषित करे और उनके बारे में कार्यक्रम और प्रचार प्रसार करे। और फिलहाल मैं अपनी तरफ से एक पत्र भारत सरकार को भेजूंगा कि सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला शिक्षक दिवस घोषित किया जाए और साथ ही ये मेंशन किया जाए कि वो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने बेहद कष्ट के बाद तकलीफ उठाते हुए महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया और उनके द्वारा चलाए गए अभियान का नतीजा है कि आज हमारे देश में लड़कियां पढ़ रही हैं, पायलट बनी हुई हैं, वैज्ञानिक हैं और ना जाने कहां कहां अपनी प्रतिभा का वो परिचय दे रही हैं। तो ये तो उनका तो मतलब उस जमाने में सोचना कि कोई पढ़े, आदमी तो पढ़ते नहीं थे तो महिलाएं क्या पढ़ती, लेकिन उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा और उसमें उनके पति ज्योतिराव फुले का भी कितना बड़ा योगदान था कि दोनों ने मिल करके इस अभियान को चलाया और वो अभियान सक्सेस हुआ और आज हम यहाँ तक पहुंच गए कि आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। मैं आपको इसी इन्हीं बातों से अपना विराम देता हूं और दूसरे वक्ता बोलें। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। तो इसी तरह से हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती है 9 जनवरी को मनाएंगे, 12 जनवरी जयंती है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इसी तरह से जैसे सुदीप साहू जी ने अपनी बात रखी, आरजेएस फैमिली के सभी युवाओं को
आमंत्रित किया जा रहा है कि वो लोग कम्युनिकेट करें, बात करें और उनको मंच दिया जाएगा। और अब सुरजीत सिंह कोहली जी जुड़े हुए हैं क्या? सुरजीत सिंह कोहली जी, हाँ जी, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद जी। जी सर, सावित्री बाई फुले पे आपका वक्तव्य जो है, दो मिनट ढाई मिनट के लिए आप संदेश दें। स्त्री शिक्षक दिवस, शिक्षिका दिवस घोषित किया जा रहा है, स्त्री शिक्षा भी इसे मान सकते हैं, स्त्री शिक्षा दिवस, इस पर आपके क्या विचार हैं? जी सुरजीत सिंह जी, हेलो सुरजीत सिंह जी, देखिए अगर आप तैयार नहीं है आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव जी यूपी से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव जी आप स्क्रीन पे आइए। जी सर, सादर वंदन। जी जी जी, सादर प्रणाम सर। जी जी, आप आगे बढ़िए और कविता सुनाइए। जी जी, मैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, सबसे पहले आप आरजेएस परिवार को सादर साधुवाद, धन्यवाद और आत्मीयतापूर्ण तमाम सश्रद्धा वंदन करती हूँ। इतना सुंदर और सराहनीय प्रयास आपने किया और अभी अभी सर ने बहुत बढ़िया कहा कि भारतीय भारत सरकार से ये बात निश्चित ही उनके सामने रखनी चाहिए, यह प्रस्ताव रखना चाहिए कि शिक्षिका दिवस पर इस बात पर या फूले जी पर निरंतर जो है कि हर विद्यालय में उनकी स्मृति चिन्ह हो और उनके नाम पे पुरस्कृत किया जाए। इन सब बातों से मैं उनको बहुत ज्यादा अंदर से बहुत ज्यादा श्रद्धा वंदन करती हूँ उनकी। और मैं भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से जुड़ी हुई हूँ, मैं सह संयोजक हूँ जिले से। मैं भी प्रत्येक बच्ची को इस बात को तो बताना ही चाहूंगी कि मूल क्या है। ठीक है, मैं उन पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि आदि कवित्री आदि शिक्षिका भारत माँ की शान थी, आदि कवित्री आदि शिक्षिका भारत माँ की शान थी, सामाजिक शैक्षिक बल देकर नारी की उन्नति हेतु वह स्वयं को कुर्बान की, हिंदुस्तान की महानायिका नारी उत्थान की जान बनी, हिंदुस्तान की महानायिका नारी उत्थान की जान बनी, खुद पढ़ने में जो तकलीफें झेली, खुद पढ़ने में जो तकलीफें झेली उसके निदान हित कर्मजाल बुनी, क्रांतिकारी व्यक्तित्व की ललना जीवन पथ पर अग्रसर की, क्रांतिकारी व्यक्तित्व की ललना जीवन पथ पर अग्रसर की, हर नारी मनुष्य है उसको विकसित होने का अवसर दी, हर नारी मनुष्य है उसको विकसित होने का अवसर दी, संकुचित मानसिकता वालों को कुछ भी ना उपदेश दिया, संकुचित मानसिकता वालों को कुछ भी ना उपदेश दिया, नारी समाज में सम्मानित हो बस पढ़ने का जीने का संदेश दिया, आपके कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व से सीखे हम सभी नारियां, आपके कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व से सीखे हम सभी नारियां, आपके ऐतिहासिक नयापन लेकर सींचे उन्नति की क्यारियां, ऐतिहासिक नयापन, नयापन जरूर रहे लेकिन ऐतिहासिक नयापन लेकर सींचे उन्नति की क्यारियां, समाज सुधारक कुशल शिक्षिका सहृदयी कवित्री थी, समाज सुधारक कुशल शिक्षिका सहृदयी कवित्री थी, गजब विराट व्यक्तित्व की धनी महाशक्ति सावित्री थी, गजब विराट व्यक्तित्व की धनी महाशक्ति सावित्री थी, उनके जीवन से हम सबको एक सबक लेनी होगी, उनके जीवन से हम सबको एक सबक लेनी होगी, विपरीत परिस्थिति में भी जीतेंगे हम वह कर्म खनक लेनी होगी, वह कर्म खनक लेनी होगी। सावित्री बाई फुले जी को ससम्मान सश्रद्धा अपनी सहानुभूति और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सत सत वंदन करती हूँ और आप सभी को पुनश्च सादर वंदन। इस तरह के सराहनीय प्रयास आपने किया और हमें भी एक मार्ग निर्देशन किया, इसलिए आपको साधुवाद, धन्यवाद और सभी हिंदुस्तानी हृदय को सादर वंदन। जय हिंद। जय हिंद डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव जी, आप उत्तर प्रदेश से जुड़ी थी, जौनपुर से, और इस तरह से आपने कविता सावित्री बाई फुले को डेडिकेट किया है। और सावित्री बाई फुले जी भारत की प्रथम न केवल शिक्षिका रही हैं, महिला शिक्षिका, बल्कि वो पहली स्कूल जो भारत में खोली गई उसकी संस्थापिका भी रही हैं, और अपने अपने पति से पढ़ाई की उन्होंने, और पहली जो स्कूल खोला उन्होंने उसके बाद 18 और स्कूल खोला दोनों दंपत्ति ने,
सोचिए, जिन पर पत्थर फेंके जाते थे, जिन पर गोबर फेंके जाते थे, जो भी सामंतवादी लोग थे, जो भी नकारात्मक लोग थे, तो नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय गाथा लिखने का ये बहुत ही अनूठा प्रयास है, जिसको पूरा देश में समर्थन मिल रहा है। आप लोग बने रहिएगा, ये ऐतिहासिक वेबिनार हो रहा है, और इसमें जिस शख्सियत ने घोषणा की है, जो कि एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, और उसे हम लोग सकारात्मक व्यक्तित्व कहते हैं, चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी, जो कि स्वयं सावित्री बाई फुले स्कूल जो बाबैन में आरजीएस पॉजिटिव मीडिया की यात्रा कराई थी उन्होंने कोरोना काल से पहले, और बैठक कराई थी वहां पे, और इसके अलावा दिल्ली में सिल्वाराग पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी, जिन्होंने कि सावित्री बाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के नाम का आरजीएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। और कितने बड़े सुपुत्र हैं चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी दंपत्ति, कश्मीरो देवी जी और चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी, जो कि भेंट करता है अपनी माता पिता हीरालाल सैनी जी और भरतो देवी, श्रीमती भरतो देवी जी, माता पिता की स्मृति में इन्होंने महात्मा ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले जी के नाम का अवार्ड घोषित किया है। तो इतने बड़े सुपुत्र जो अपने माता पिता को याद रखता है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और बहुत सारे आरजीएस फैमिली के लोगों ने अपने माता पिता को अपने साथ रखा है, उनकी आत्मा की शांति के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग इसको एक मुहिम की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारे मुख्य वक्ता जो है चौधरी आएंगे मुनि इंटरनेशनल स्कूल के, मुनि स्कूल जो कि अपनी माता जी के नाम का इन्होंने स्कूल शिक्षा की अलख जगाई है, हमारे मुख्य वक्ता ऐसे चुने गए हैं अशोक कुमार ठाकुर जी, जो कि शिक्षाविद भी हैं, नेशनल इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त शिक्षाविद हैं और मुनि इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन और संस्थापक हैं, और उन्होंने ये घोषणा की है। इसके अलावा हमारे आकाशवाणी से जुड़े रहे और इस समय भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में वो सदस्य हैं हरि सिंह पाल जी, और अपनी पत्नी डॉक्टर श्रीमती पुष्पा पाल जी ने अपने माता पिता श्री चंदन सिंह बघेल जी और स्वर्गीय श्रीमती रानी देवी जी की स्मृति में पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी के नाम का अवार्ड घोषित किया है। तो सभी महापुरुषों के ऊपर आरजीएस जो है एक मंच पर पूरे देश के महापुरुषों को एकजुट कर रहा है, उनकी आत्माओं का आशीर्वाद आरजीएस को ऑलरेडी मिल चुका है। 152 बैठकों में हजारों महापुरुषों को और अपने माता पिताओं के स्मृति को याद करते हुए लोगों ने बैठकें की है, 152 फिजिकल बैठकें हुई हैं। लास्ट बैठक चौधरी साहब की थी, चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी ने 11 अप्रैल 2021 को की थी। उसके बाद वेबिनार और फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोगों से जुड़ते रहे हैं सकारात्मक भारत आंदोलन को। टीजेएपीएस केवीएस के पश्चिम बंगाल की संस्था के साथ ये अलख जगाने का काम देश में हम लोगों ने 6.5 साल से शुरू किया है, सकारात्मक पत्रकारिता सकारात्मक भारत से भारत निर्माण। मैं